अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ मी नुमान चौधरी फ्रॉम कनाडा। जॉब्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इंसान की कोशिश होती है हम लोगों की, जब हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टडी भी कर रहे होते हैं और साथ में बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे होते हैं, स्पेशली जो बंदा अकेला होता है, घर का निज़ाम चलाना है, ग्रॉसरी भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, नींद भी पूरी करनी है, स्टडी भी करनी है और साथ में काम भी करना। तो इंसान की कोशिश होती है कि यार कोई ऐसा काम करें जो थोड़ा सा आसान हो, जो थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है। तो हमारे जो देसी लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान से हम जो आते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिक्योरिटी जॉब को, क्योंकि हमें लगता है इट्स अ वेरी गुड जॉब, डेफिनेटली नो डाउट इट्स अ गुड जॉब एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब लाइक फैक्ट्री वर्क एंड ऑल दैट अदर स्टफ। तो ये बहुत अच्छा काम है आप करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है, चिल माहौल में आप काम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जब हम नए आते हैं ना, मेरी पिछली वीडियो थी उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो उसी तनाजुर में हम इस वीडियो को कैरी करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब्स हैं, हाउ टू विन द सिक्योरिटी गार्ड जॉब, ठीक है, कैसे विन करना है भाई, जॉब कैसे लेनी है, लाइसेंस बन गया, घर आ गया, उसके बाद आप नए हैं तो कैसे आप जॉब को आसानी के साथ विन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि अवेलेबिलिटी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर तो आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी है तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि ज़ाहिर आपका जो सिन है उस पर आपने जो काम करना है वो आप लिमिटेड ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि वो जो लिमिटेड है ना वो अपना पूरा करना है, उसमें अपनी अवेलेबिलिटी फुल बतानी है, फिर इसी जॉब पे फोकस करना है, फिर आपकी जॉब जो है वो सिक्योर हो सकती है। फिर आ जाती है कि कैसे सर्च करें जॉब इंजन्स, ठीक है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इंडीड पे सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब्स हैं, अदर जॉब्स नहीं, उनके हवाले से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप इंडीड को जो है यूटिलाइज़ करें, जिप रिक्रूटर जो है, जिप रिक्रूटर उसको यूटिलाइज़ करें, वहाँ से आप जो है आसानी के साथ कैच कर सकते हैं, कुछ जॉब हासिल कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की और इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, फेसबुक जो है मार्केट, इसमें भी जॉब्स आती हैं, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को सर्च करके इस जॉब को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी, देन जॉब सर्च इंजन। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब इंजन्स हैं, आप जितना सर्च करेंगे, जितनी अपनी अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ करेंगे, आपके जॉब के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है नेचर ऑफ जॉब्स। सिक्योरिटी में भी कुछ जो है फिरकेशन होती है कि यार ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी है, कौन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी वेयर हाउसेज की सिक्योरिटी या फैक्ट्री वर्क की सिक्योरिटी, ठीक है। तो वेयर हाउसेज में क्या होता है, आपको पता है सामान वगैरह गुड्स हैं, ठीक है। फैक्ट्री में क्या होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का काम होता है, तो किस चीज़ को प्रेफर किया जाए। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन सो फार। फैक्ट्री वर्क में आपको जनाब क्या करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, आपको कमरा दे दिया जाता है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है फैक्ट्री वर्क की, सेपरेट रूम होता है सिक्योरिटी गार्ड्स का, वहाँ पर क्या है जनाब आपकी वो बैठना आपने, ठीक है। देन आपका अगर कोई और भी आपके साथ ड्यूटी कर रहा है तो उसके साथ आपने वो उनका जो रेडियो है, जो ट्रांसमीटर है, वायरलेस है, उसके थ्रू कनेक्ट रहना है, कनेक्शन रखना है अपना, ठीक है, बातचीत करते रहना है, फिर लोगों की एंट्री को कंट्रोल करना है। जैसा कोविड चल रहा है कनाडा में, तो ये क्या है कि फैक्ट्री के बाहर जब भी कोई गाड़ी आएगी या कोई पर्सनल जो है वो एंटर होना चाहेगा प्रोडक्शन लाइन में या फैक्ट्री में, उसको आपने कोविड के क्वेश्चंस करने होते हैं, या आपको कोविड की स्क्रीनिंग पे लगा दिया जाता है कि भाईजान ऐना दाना दर्जा हरारत चेक करो, टेम्परेचर चेक करो कि बंदे ने बुखार तो नहीं, ठीक है, ये ओके है कि नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं जी कि तुहाड़े घरों कोई बंदा तो नहीं आ गया 14 दिन पहले कोई दूजे मुल्कों, या कोई कोरोना की कंडीशन, या कोई इदा के क्वेश्चन कर लेने। तो दैट इज़ सो सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री पे, अगर एंट्री पे लग जाती है, उसके बाद क्या करना है आपने कि वही इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स, अगर कोई हो जाता है, कोई मिसहैपनिंग हो गया, फायर हो गया, कोई मेजर इंजरी हो गया, तो वो आपने लिख लेना है जी कि फलां वक्त पे फलां बंदे को जो है वो इंजरी हुई थी, ठीक है, क्या किया आपने, वो भी आपने आज सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि आपके पास CPR है, आपके पास फर्स्ट एड है, अगर फर्स्ट एड प्रोवाइड की है देन यू कैन टेल दैम दैट आई हैव प्रोवाइडेड द फर्स्ट एड टू डैट पर्सन, ठीक है। ये फैक्ट्री वर्क के हवाले से बात होगी। वेयर हाउसेज में भी इससे मिलता जुलता है कि अगर वहाँ पर भी इंजरी हो जाती है, और इसी तरह से आपने क्या करना होता है कि 3 से 4 दफ़ा जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो उसमें 4 दफ़ा आप जाके ना वो सारी प्रोडक्शन लाइन में घूमेंगे, मशीनरी देखेंगे क्या वो अपनी जगह पर हैं, फायर एक्सटिंग्विशर देखेंगे क्या वो उधर फिट ही हैं, सही हैं, इस तरह की चीज़ें नोट करेंगे, आपके पास एक परफॉर्मा होगा
आप उसको नोट करेंगे और आपका काम तमाम होगा। फिर आ जाती है जनाब प्राइवेट प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक दिस। पहले इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। ये मेरे पीछे एक प्लाजा है, ठीक है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पर आपकी ड्यूटी लग जाती है, यहाँ पर आप देखें बहुत सारी शॉप्स हैं, यू कैन लुक, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, आपने इनको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे मुल्कों में तो शटर लगते हैं ना, यहाँ पे शॉप्स कुछ इस तरह हैं कि शीशे लगे हुए हैं, आपने इनको प्रोटेक्ट करना है। रात में आपने इसके पेट्रोलिंग करनी है, ठीक है। ये तो छोटा है डेफिनेटली, तो क्या होगा अगर आपको गाड़ी दी जाती है, बड़ा प्लाजा होगा तो गाड़ी भी आप ड्राइव कर सकते हैं पूरे प्लाजे में, और अगर आपको एक चैम्बर दे दिया गया है वहाँ पर बैठेंगे और हर घंटे बाद आधे घंटे बाद एज़ पर कंपनी पॉलिसी आपने राउंड लगाना है, देखना है भाई कि कोई चक्कर तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई आग तो नहीं लगा रहा, कोई फायर तो नहीं लगा रहा, कोई जनाब कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आपने उसको मना कर देना है, उसको बोलना है जी आप यहाँ से चले जाओ। सिंपल इज़ दैट कि ये काम आप यहाँ पे, इसके अंदर आपकी ये ड्यूटी होगी, घूमे फिरेंगे और करेंगे, और सोना नहीं। अगर रात को होती है तो इसमें चेक एंड बैलेंस होता है कि यार बंदा सो तो नहीं गया। तो इस काम में एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्री पे ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट काम है, रात को जागना है, ठीक है। और थोड़ा सा ज़ाहिर है लोगों को कहना है कि भाई प्रॉपर्टी लीव करो, इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जस्ट लीव द प्रॉपर्टी, तो थोड़ा सा उससे पे ज़्यादा होती है। यू कैन से लाइक अगर वहाँ पे आप $16 पर आवर कमा रहे हैं, $16 पर आवर कमा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको $18 मिल जाएंगे। तो मुझे तो इस तरह का ये काम अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगा कि थोड़ी सी आपकी अथॉरिटी होती है, टैक का होता है जनाब कि चला प्रॉपर्टी से बाहर निकल जा। तो ये होती है नेचर ऑफ। फिर आ जाते हैं मॉल्स, तो मॉल्स में भी काफ़ी मम्मी डैडी माहौल होता है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की हमने बात कर ली कि वहाँ पे किसी को ट्रेस पासिंग नहीं करने देनी, आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा जो है आपने उस पर फोकस करना है, उस पर कंट्रोल रखना है, उसको काबू करना है, फुट पेट्रोलिंग करनी है, गाड़ी में करनी है, और उस पर अपना जो है वो कवरेज बनाए रखनी है। देन हमारे पास आ जाता है जनाब के मॉल्स के अंदर, मॉल्स के अंदर क्या है वही बात आ जाती है, कोविड चल रहा है तो कोविड का ख्याल रखना है, लोगों की स्क्रीनिंग करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, बोले हैंड सैनिटाइज कर लें। जैसे हम अपने वो बाइक पे कोई औरत सवार हो पाकिस्तान में तो कहते हैं बाजी दुपट्टा ऊपर कर लें, तो यहाँ पे क्या करना है बाजी मास्क ऊपर कर लें, ठीक है। क्योंकि ये बाजियाँ चलें छोड़ें कहाँ जा रहे हैं, माफ़ करना मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। कमिंग टू द पॉइंट, तो मॉल में आपकी ये जॉब होगी। मॉल में क्या होता है, स्टैंडिंग खड़े रहना होता है ज़्यादा, ठीक है। 12 घंटे की 8 घंटे की शिफ्ट है, ज़्यादा खड़े रहना। फैक्ट्री में बैठ सकते हैं, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली है इसमें भी मोस्टली आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मॉल में क्या है, स्टैंड बाय रहना है, फूड कोर्ट में है स्टैंड बाय रहना है, तो ये उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि आपने खड़े रहना है ऐसे जनाब, ठीक है, अटेंशन रहना। तो ये मॉल की सिक्योरिटी की बात होगी कि मॉल के अंदर अगर आप सिक्योरिटी करते हैं, एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करते हैं, तो आपका ये वहाँ पर रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर ली कि कहाँ पर थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है कि कहाँ पर किस जगह पर और कैसे आप जो है उस जॉब को अचीव कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है ड्राइविंग लाइसेंस की, क्योंकि मोस्टली सिक्योरिटी कंपनी चाहती हैं कि आप पेट्रोलिंग करें गाड़ियों पर, वो जो प्रॉपर्टी है यहाँ, वो एक से ज़्यादा आपको लोकेशन दे देते हैं और कहते हैं जाके आधे घंटे बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर ओवर देयर, ठीक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, चलें कह लेते हैं 1 किलोमीटर परे हैं या 2 किलोमीटर परे हैं, और आपको इस प्रॉपर्टी में आके रात को, ये जो प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के पास आके रात को आपको पेट्रोल करना है, तो अब आपको वहाँ से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के तो नहीं आना आपने, तो वो कहते हैं यार लाइसेंस बनाओ, लाइसेंस के बगैर जॉब नहीं देंगे। तो जो पेट्रोलिंग वाली जॉब्स हैं उसमें तो भाई आपका G2 एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बगैर आपको जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ये बात होगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, आप वेयर हाउसेज में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडोर होती है, कंट्रोल्ड होती है। आप फैक्ट्रीज़ में जा सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आप जो है इस जॉब को विन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बस अप्लाई करते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले पर भरोसा रखें, आपकी जॉब हो सकती है। तो ये बात हो गई कि आप किस तरह से अपनी जॉब को विन कर सकते हैं, कुछ टिप्स के हवाले से मैंने बात की, नेचर ऑफ जॉब्स के हवाले से बात कर ली, ठीक है। तो अगर पेट्रोलिंग वाली जॉब करनी है और चाहते हैं यार कुछ तूफानी करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, तो ये आपके लिए जो है वो लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या हमने सारी ज़िंदगी सिक्योरिटी गार्ड ही रहना है यार, ठीक है। तो आई हैव द सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। अब क्या है सिक्योरिटी गार्ड, ये एक इनिशिएटिव है
एक इनिशियल स्टेज है, आपको ये ड्राइव कर सकता है टूवर्ड्स योर पुलिसिंग कैरियर। आप पुलिस में जा सकते हैं, आप लॉ इन्फोर्समेंट में जा सकते हैं, आप CBSA में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा ना वो जॉब से एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, लोगों के साथ डील करना, हाउ टू बी क्रिटिकल, ठीक है, और हाउ टू बी काम इन क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल कैसे? क्रिटिकल एनालिसिस करना किसी चीज़ का, कि क्रिटिकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, तो अब आग बंदा जा रहा है, वो क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। बट एज ए सिक्योरिटी गार्ड आपने इसका एनालिसिस करना है, क्या करेंगे? देखेंगे यार कोई ट्रेसपासर तो नहीं है, ये यहाँ पे ऐसे पूरा देखेंगे कोई ट्रेसपासर तो नहीं है। फिर आप ये देखेंगे कि यार फायर अलार्म काम कर रहे हैं बिल्डिंग के। फिर आप देखेंगे कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर अपनी जगह पे हैं, कहीं प्रॉपर्टी को कोई नुकसान तो नहीं किसी ने पहुंचाया, कोई चोरी वोरी तो नहीं की, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरी मशीन इज़ वर्किंग। तो ये होता है क्रिटिकल एनालिसिस करना। तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड आप अपनी स्टार्ट करें करियर को, इट्स अ वेरी गुड, और रिलैक्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है, और आप इसको कैरी करते हैं तो यू कैन गो अहेड। तो लाइक आई जस्ट बिलीव कि मैंने इसको कैरी किया बिकॉज आपको, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मेरा मास्टर्स डिग्री है, और अब रिसेंटली मैं कनाडा आया हूँ, और मेरा यही प्लान है कि लॉ एनफोर्समेंट में कहीं अपने आप को फिट करना। तो उसके लिए ये एक पहला सीढ़ी का पहला जो है वो मैंने स्टेप लिया है कि अपने आप को जो है वो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस जो है वो मैंने बनवा लिया है। लेट्स सी कि आगे जाके अब क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।